कांग्रेस के अश्लील सीडी वाले बयान पर बोलते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने हनुमान चालीसा सुंदरकांड और राम भजनों की एक सीडी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को भेंट की है और कहा है जिस उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भजन करना चाहिए उस उम्र में नाथ लगातार अश्लील सीडियां देख रहे हैं और उनका सार्वजनिक गुणगान भी कर रहे हैं, जबकि नाथ को इस उम्र में अपना परलोक सुधारने के लिए काम करना चाहिए। प्रदेश की राजनीति में अश्लील सीडी वाला मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि नाथ इस उम्र में न केवल अश्लील सीडी देख रहे हैं बल्कि इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा भी कर रहे हैं। ऐसे में यदि उनके पास हनी ट्रैप से संबंधित कोई सीडी है तो उसे न्यायालय में सौंपना चाहिए, जिससे दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके चेहरे भी लोगों के सामने आएंगे। हनी ट्रैप की सीडी छुपाकर नाथ दोषियों को संरक्षण भी दे रहे हैं और इसे देखकर अपनी मानसिक स्थिति भी गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए नाथ और सिंह को राम भजन की सीडी भेजी है जिससे वे अपना परलोक भी सुधारें और अपने जीवन को सुखी करें। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी बार बार एक अश्लील सीडी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जो बोल रहे हैं कि हमने देखी है, तो कांग्रेस तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगी रही। पूरा उम्र ये लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते रहे, राम सेतु के अस्तित्व को नकारते रहे। मुझे लगता है कि ये जो जन्म मिला है उस जन्म में तो ये भगवान श्री राम को नकारते रहे। अब मुझे लगता है कि इस उम्र में उनको भजन सुनने चाहिए। भजन सुनने से निश्चित रूप से जो परलोक है वो भी सुधर जाएगा उनका, और ये जो अगर सीडी उनके पास है तो उनको सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक करनी चाहिए। केसवानी ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति ही भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने में चलती रही है। कांग्रेस नेता राम सेतु के अस्तित्व को नकारते रहे हैं, भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करते रहे, उस समय भी कांग्रेस ने राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। और ऐसे में जब कांग्रेस की राजनीति ही खत्म होने की कगार पर आ गई है तो कांग्रेसियों को भगवान राम की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का भजन उनका यह लोक भी सुधार देगा और इसके साथ ही परलोक भी स्वतः सुधर जाएगा। आग्रह करता हूँ कि इस उम्र में आपको भजन सुनने चाहिए, न कि अश्लील सीडी देखनी। आज हमने उनको माननीय कमलनाथ जी को, गोविंद सिंह जी को भजनों की सीडी भेजी है और निश्चित रूप से वो भजन सुने। इस उम्र में भजन करेंगे तो परलोक भी सुधर जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।